हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि यह वीडियो है स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड, जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी, डोपिंग, मसाज एंड फिजियोथेरेपी आदि से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। एंड दोस्तों, यह स्पोर्ट्स मेडिसिन का 6ठा पार्ट है। एंड जैसा कि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, चाहे आपका BBSC हो, EMRS हो, तो दोस्तों सबको देखते हुए मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। और क्लास 11-12 का मैराथन क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप सब प्रैक्टिस कर चुके हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। और डेली बेसिस पे मैं आप सबके लिए वीडियो फ्री में अपलोड कर रही हूँ, कोई किसी से चार्ज नहीं ले रही हूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी टॉपिक के स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बना हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एंड चैप्टर वाइज एंड सभी प्रकार के MCQs प्रैक्टिस दिए गए हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि दोस्तों बता दें, इस वीडियो के बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो आपका रहेगा डोपिंग से रिलेटेड, जैसा कि डोपिंग का टॉपिक इसके अंतर्गत समाहित हो गया है। यदि आप सब कहेंगे तो डोपिंग का एक अलग से वीडियो लाऊंगे, नहीं तो अब अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपका योगा से रिलेटेड होगा। तो जैसा आपका कमेंट होगा वैसा मैं करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हड्डी की चोट की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई बोन इंजरी। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों, जैसे कि मोच जो है यानी स्प्रेन, खिंचाव यानी कि स्ट्रेच एंड विदारण रेप्चर, ये सभी चीज़ें आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की हैं, यानी कि मसल्स, टेंडन, लिगामेंट की चोटें हैं। यहाँ पे हड्डी की चोटे की बात कर रहा है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है आपका हड्डी की चोट के अंतर्गत आ जाएगा, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। ये कच्ची अस्थि भंग भी इसको कहा जाता है। ये सामान्यतः छोटे बच्चों में होती हैं, और क्योंकि उनकी जो अस्थियाँ बहुत मुलायम कोमल होती हैं, जब भी इन अस्थियों पर कोई बदलाव दबाव पड़ता है तो ये अस्थियाँ मुड़ जाती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शारीरिक शिक्षक के लिए प्राथमिक उपचार की जानकारी होना क्यों आवश्यक है? व्हाई इज द नेसेसरी फॉर ए फिजिकल टीचर टू हैव नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की जानकारी होना एक शारीरिक शिक्षक को क्यों आवश्यक है? दोस्तों, ऑप्शन है, खेलते समय छात्र चोटग्रस्त नहीं होते, यदि जानकारी होगा तो चोटग्रस्त नहीं होगा उसके बारे में, और छात्रों को तुरंत उपचार मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपरोक्त दोनों। क्या होगा? उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी जल चिकित्सा नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोथेरेपी। जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। इस ऑप्शन के अंतर्गत कौन नहीं है? तो वर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ, क्रायोथेरेपी, ये तीनों जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है, जबकि वैक्स थेरेपी नहीं आता है। यह वैक्स बाथ जो है मोम चिकित्सा से रिलेटेड है, जो हमेशा ज़्यादातर ज्वाइंट वाले स्थान पर होता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोच चोट संबंधित है, इज स्प्रेन इंजरी रिलेटेड? स्प्रेन यानी कि मोच जो है वो लिगामेंट की चोटें होती हैं, और जो आपका स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है, वह मांसपेशी टेंडन की चोटें होती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रेशर मसाज। तो जैसे कि मसाज 4 प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, परक्यूजन यानी थपथपाना, सैकिंग यानी झकझोरना, ये 4 प्रकार के मसाज होते हैं, जिसमें से प्रेशर मसाज 3 प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन। तो नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन, ये तीनों है प्रेशर मैनिपुलेशन यानी कि प्रेशर मसाज का प्रकार, बट आपका परक्यूजन, परकसन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा नीडिंग मसाज का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, ये प्रेशर जो है 3 प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन, जिसमें से नीडिंग भी 4 प्रकार का होता है, स्क्यूजिंग, स्टेशनरी, सर्क्यूलर एंड आयरन। तो यहाँ पे स्क्यूजिंग है, स्टेशनरी है, सर्क्यूलर है,
बट हैकिंग नहीं है, क्योंकि हैकिंग जो है वो पार्ट है आपका परक्यूजन यानी थपथपाने की हस्त कौशल विधि। परक्यूजन में हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग आता है। यहाँ पे नीडिंग मसाज में स्क्यूजिंग एंड स्टेशनरी सर्कुलर आयरिंग आता है। तो ये तीनों आपके नीडिंग से रिलेटेड है, हैकिंग नहीं है। हैकिंग आपका परक्यूजन यानी थपथपाने से रिलेटेड है। मसाज के बारे में, चारों के बारे में एकदम शॉर्ट में कम शब्दों में आप जानना चाहते हैं कि तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिश कितने प्रकार के होते हैं? अभी जस्ट बताई हूँ, चार प्रकार के होते हैं, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, सैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लिगामेंट की चोट है कौन है? खिंचाव, खिंचाव तो है नहीं, ये खिंचाव है आपका मांसपेशी टेंडन की चोट। कंट्यूजन जो है नीला पड़ जाना, एकाएक चोट लगता है। रगड़ एब्रेजन है, त्वचा की चोट। यहाँ पे क्या है, लिगामेंट की चोट है, मोच यानी कि स्प्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह नरम उत्तक की चोट है, इज इट ए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है नरम उत्तक की चोटों में मांसपेशी टेंडन और लिगामेंट से संबंधित चोटें आती हैं, जिसमें से आपका रगड़ यानी कि एब्रेजन, मोच यानी कि स्प्रेन, खिंचाव यानी कि स्ट्रेच, उपरोक्त सभी यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कि नरम उत्तक की चोटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मांसपेशी की चोट है, तो मांसपेशी की चोट कौन होती है दोस्तों? खिंचाव यानी कि मांसपेशी टेंडन की चोट होती है, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। ठीक है, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? व्हाट इज बोन फ्रैक्चर विदाउट वुंड कॉल्ड? तो बिना घाव का हड्डी का टूटना कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? साधारण फ्रैक्चर यानी सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर कहलाता है। अगर घाव सहित यानी कि टूटने पर किसी प्रकार का टूट भी जाता है और चमड़ी के बाहर निकल जाता है यानी घाव हो जाता है, तो उसे हम मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। ये फ्रैक्चर होता है जिसमें हड्डियाँ टूटकर मुलायम अंगों या जैसे कि फेफड़े, हृदय, गुर्दे में घुस जाती हैं, उसे जटिल फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। एक फ्रैक्चर होता है आपका जिसमें एक ही हड्डी का कई टुकड़ों में टूट जाता है और उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है, उसे विखंडित फ्रैक्चर या कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। एक फ्रैक्चर होता है आपका जिसमें हड्डियाँ टूट कर दूसरी हड्डी में घुसकर या उसके सिरे से सिरे मिलकर रगड़ खाते हैं, तो उसे कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर या संघात फ्रैक्चर। एक होता है ग्रिल स्टिक फ्रैक्चर, जो हड्डियाँ टूटती नहीं मुड़ जाती हैं। एक होता है आपका तिरछे या विकर्ण रूप से टूट जाती हैं, जैसे कि जैसे अधिकतर लंबी अस्थियाँ जैसे ह्यूमरस, फीमर, ये आपका तिरछा अस्थिभंग यानी ऑब्लिक्यू बोन फ्रैक्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मसाज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज इफेक्ट रज मसाज हैव ऑन द बॉडी? तो दोस्तों हमारे त्वचा पर भी यानी कि त्वचा को प्रमालिश किया जाता है, त्वचा पर कोई एक हेल्दी स्किन बनाता है, तंत्रिका तंत्र पर एक्टिव करता है एंड रक्त परिसंचरण को अच्छा करता है, तो उपरोक्त सभी लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की चोट है, तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेच, इंटरनल इंजरी, रगड़, तो यहाँ पे जो त्वचा की चोट है यहाँ पे सभी चीज़ें, सभी खिंचाव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं खिंचाव यानी कि स्ट्रेन आपका मांसपेशी टेंडन की चोट है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रगड़ यानी कि एब्रेजन। एब्रेजन जो है वो त्वचा की चोट है जिसे हम रगड़ लग जाना या लाल पड़ जाना कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार क्या है? व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर स्प्रेन? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है तुरंत उपचार, RICE पद्धति अपनाया जाता है, RICE, यानी पहले बार रेस्ट करेंगे, दूसरा बार क्या करेंगे, रेस्ट यानी बचाव करेंगे, उसके बाद आइस का प्रयोग यानी बर्फ का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले उपचार? बर्फ का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? तो हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करना चाहिए?
तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखिएगा। व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर बोन फ्रैक्चर, सब प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो प्राथमिक उपचार की बस चार विधियां हैं, याद रखिएगा, RICE। तो अब पी, पहले पी लग गया है, अंत में यस लग गया है, ठीक है। तो पी से होता है प्रोटेक्शन, यानी कि बचाव करना। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चोट वाले भाग के हलचल को बंद करेंगे, चोट वाले भाग की क्या करेंगे, हलचल को बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा उपाय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें सामान्य होती हैं। द इंजरीज टू द मेडियल मेनिस्कस आर कॉमन इन, तो मेडियल मेनिस्कस चोटें किनमें सामान्य होती हैं, तो यह चोटें जो है फुटबॉल में सामान्य होती है, फुटबॉल के खिलाड़ी में यह सामान्य पाई जाती हैं। जैसे कि दुनिया भर में फुटबॉल बेहद लोकप्रिय है, लेकिन यह भी सच है कि खेल के दौरान सिर में गंभीर चोटें लगने के मामले भी फुटबॉल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में विशेषज्ञ ऐसी तकनीक से हेलमेट तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं जो खिलाड़ियों को मैदान पर चोट लगने की संभावनाओं को क्या करें, कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में आहत होने पर तुरंत तात्कालिक उपचार देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ज्यादा रक्त बहने पर, गंभीर अवस्था हो जाने पर तुरंत तात्कालिक उपचार देना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी पहलवान या फुटबॉल खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी के किस प्रकार गिरने पर कंधा अलग हो जाता है, यानी कंधे का डिसलोकेशन हो जाता है। हाउ डज रेसलर एंड फुटबॉल प्लेयर्स आर हॉकी प्लेयर्स शोल्डर गेट सेपरेटेड वेन इज फॉल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोहनी के मुड़ने, क्या हो जाएगा, कोहनी के मुड़ने, कोहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति, कोहनी के मैदान पर मुड़ने की स्थिति, यानी कि पोजिशन ऑफ एल्बो फ्लैक्स ऑन द ग्राउंड की पोजीशन में गिरने पर जो है कंधे अलग हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, उपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ द थेरेप्यूटिक प्रोसीजर इज। तो उपचारिक प्रक्रियाओं का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आयुर्विज्ञान जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना की स्थिति में को बिगड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सक को तुरंत क्या करना चाहिए। तो दुर्घटना की स्थिति को निपटने के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सक को क्या करना चाहिए, तो दुर्घटना को सावधानी से संभालना चाहिए, क्या करना चाहिए, सावधानी से समझना संभालना चाहिए, ठीक है। यानी कि RI क्या होता है, PRICE, यानी प्रोटेक्शन मतलब बचाओ, सावधानी से पहले उसको संभालना चाहिए। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली सामान्य चोटें हैं। व्हाट इज द कॉमन इंजरी सफर्ड बाय बास्केटबॉल प्लेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर को सामान्य चोटें कौन सी लगती हैं, तो ज्यादातर इसमें लगती है तो यहाँ पे टखने था दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, टखने की एंटेरियो की लैटरल लिगामेंट चोट, क्या होगा, तकनीकी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे टखने है, ठीक है, यहाँ पे टखने है, ठीक है। तो यहाँ पे टखने याद कर लीजिएगा, टखने, ठीक, टखने की एंटेरियो की लैटरल लिगामेंट चोट, ठीक है, तकनीकी शब्द गलत टाइप हो गया है। तो टखने कि एंटेरियो की लेटरल लिगामेंट चोट जो होता है वो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की लगने वाली सामान्य चोटें होती हैं, यानी कि इसमें खेलते समय टखना इस तरह मुड़ता है कि पैर के तल का मुंह भीतरी ओर मुड़ जाता है और खिंचाव होता है, समझा, टखने की बाहरी हिस्से की स्नायु यानी लिगामेंट जो है इसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट है, स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था में निम्न को कम से क्रम से लगाइए। तो स्प्रेन
की प्राथमिक चिकित्सा है, तो प्राथमिक चिकित्सा की विधि क्या है फर्स्ट एड की, तो RICE। तो यहाँ पे आपको क्रम से लगाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर पर रेस्ट करेंगे, रेस्ट यानी कि आराम देंगे, तो यहाँ पे आराम कौन है, तीसरा स्थान पे है, तीसरा आराम है, तो क्या हो जाएगा पहले तीन। उसके बाद आई यानी कि बर्फ का प्रयोग करेंगे, तो बर्फ दो हो जाएगा, तीन के बाद दो हो जाएगा। फिर सी से कंप्रेशन यानी कि दबाव डालेंगे यानी कि बांधेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। फिर आपका हो जाएगा इलेवेशन यानी कि ऊपर उठाना, चौथा आपका राइट हो जाएगा, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फर्स्ट एड इन एन इमरजेंसी इज, तो प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो प्राथमिक उपचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है आकस्मिक स्थिति में, कि जैसे कि कोई चोरग्रस्त हो गया तो आप दूसरे जगह सामान खोजने तो नहीं जाएंगे, जो आपके पास अवेलेबल है चीजें उसी से तुरंत उपचार करने की कोशिश करेंगे, बचाव करने की। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, जो भी उपलब्ध साधन हो उसकी मदद से जीवन को बचाना ही प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी कि प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड शब्द का सबसे पहले प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था 1879 में सेंट एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार एक साधारण संयोजन है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले उपचार, बचाव करना, जीवन बचाना आदि इसका मतलब होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फर कोहनी से तात्पर्य है, गोल्फर एल्बो मींस, तो गोल्फर कोहनी से क्या तात्पर्य है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कि कोहनी के अंदरूनी एपिकोंडाइल के सूजन की अवस्था को हम गोल्फर कोहनी कहते हैं। गोल्फर कोहनी जो है, गोल्फर एल्बो यानी गोल्फर कोहनी जो है, कोहनी के अंदरूनी एपिकोंडाइल के सूजन की अवस्था को गोल्फर कोहनी कहते हैं। गोल्फर कोहनी आमतौर पर उन व्यक्तियों को लगता है जो नियमित रूप से गोल्फ खेलते हैं, तथा कोहनी के अंदर की सूजन को संदर्भित करता है। गोल्फर कोहनी गोल्फर्स के लिए ही सीमित नहीं है, और भी अन्य लोगों में वे कोहनी जोड़ों का दुरुपयोग करने के लिए बनाया जा सकता है। कोहनी में ज्यादा जोर देने तथा कोहनी की संयुक्त दोहराव गोल्फर कोहनी का सबसे आम कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन में वर्लपूल चिकित्सा में निम्नलिखित में से किन का उपयोग किया जाता है, तो वर्लपूल बाथ जिसे हम भौर स्नान भी कहते हैं, एक टैब होता है, टब होता है, उसमें एक मशीन होता है बायोलॉजी टेक्निक के द्वारा घूमता है, तो जिसमें चोट वाले स्थान का मालिश भी हो जाता है और पानी में डुबाया भी जाता है, तो यहाँ पे मालिश और पानी में डुबोना ए और सी राइट हो जाएगा, पानी, ठीक है, पानी और मालिश और पानी में डुबोना, ठीक है, यहाँ पे ए एंड सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहा जाता है, तो व्हाट इज द सडन शार्प पेन इन द अपर एब्डोमिन कॉल्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, तो इसे हम कहते हैं स्टी, जैसा कि क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट में आया भी था, तो खेल के दौरान पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहा जाता है, स्टीच कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू द हार्ट साउंड, तो यहाँ पे किया जाता है स्टेथोस्कोप का प्रयोग, ठीक है, हार्ट बीट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग। एंड यहाँ पे स्पायरोमीटर का प्रयोग फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती हैं, ड्यू टू द लॉक ऑफ विच द मसल्स ऑफ द बॉडी बिकम वीक, तो ये हो जाता है पोटेशियम की कमी से, किसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है,
तो ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है दोस्तों? Which ability is developed by continuous practice or at altitude? तो ऊंचाई पर लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से एरोबिक क्षमता विकसित होती है, सहन क्षमता या एरोबिक क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट डज एल्टीट्यूड हैव? तो दोस्तों ऊंचाई पर जो है, जितना ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी कमी होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध भी कम होगा, हवा की डेंसिटी यानी घनत्व भी कम हो जाता है। तो उपरोक्त सभी प्रभाव ऊंचाई पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन नामक पदार्थ शरीर में किसके उत्पादन की क्षमता बढ़ा देता है? तो ये डोपिंग में लेने वाला सप्लीमेंट है। तो यह एरिथ्रोपोएटिन जो है शरीर में किसकी क्षमता बढ़ा देता है? तो उत्पादन क्षमता, तो आरबीसी के उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। तो आरबीसी बढ़ेगा तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन जब बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन लेकर के जाएगा कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ऊर्जा ज्यादा बनाएगा, तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगा तो ज्यादा देर तक हम कार्य कर सके, यानी सहनशीलता बढ़ेगा, एरोबिक क्षमता बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसीमिया से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाई हाइपोग्लाइसीमिया? तो दोस्तों हाइपो का मतलब हमेशा होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ये दोनों शब्द याद रखे रहेंगे तो क्वेश्चन अनुमान लगा के आपका सही हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का ज्यादा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाना, रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाना। और हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा तो रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो जाना होगा। तो यहाँ पे दिया है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी रक्त में शुगर की मात्रा कम हो जाना। ये स्थिति कब होती है? जैसे कि जो हमारा पैंक्रियाज से बीटा कोशिका से इंसुलिन स्थापित होता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में प्रयोग करता है और मेटाबोलिज्म में ऊर्जा बनाने में मदद करता है। तो जो इंसुलिन होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में प्रयोग करता है। अगर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनता है तो ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में प्रयोग करता है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा कमी हो जाती है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब शरीर में इंसुलिन कम बनने लगता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित कर पाता, और जिसके कारण रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मेंट बाय हाइपोक्सिया? तो दोस्तों शरीर में या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना ही हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपो शब्द ही लगते ही आप जान लीजिएगा कमी की बात कर रही है, तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो क्लास है समाप्त होता है। अब योगा एंड अदर टॉपिक जो बचे हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।